दोस्तों, जन्म के समय क्यों रोते हैं बच्चे, रोने से क्या होता है उसकी सेहत पर असर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि जन्म के बाद हर बच्चा रोता है, यानी कि जन्म देना किसी माँ के लिए आसान नहीं होता है। आसानी दर्शाने के बाद जब माँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। जन्म के बाद हर बच्चा रोता है या उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। जो बच्चा खुद से नहीं रोता, डॉक्टर उसे रुलाने के लिए पीठ पर थपथपाते हैं या गले की सफाई करते हैं। माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। कई जगहों पर बच्चों के रोने को शुभ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जन्म के बाद बच्चा रोता क्यों है या बच्चे का क्यों रोलाया जाना जरूरी है? क्या बच्चे का रोना उसकी सेहत से जुड़ा है? चलिए जानते हैं जन्म के बाद बच्चे का रोना क्यों जरूरी है। बच्चों का रोना जरूरी है, बच्चे का रोना इसके जीवित और स्वस्थ होने का संकेत देता है। जन्म के बाद बच्चे का रोना जरूरी होता है क्योंकि उसके स्वस्थ होने का पता भी चलता है। इसे फर्स्ट क्राई के नाम से जाना जाता है। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा अपनी माँ की कोख से बाहर आता है तो उसके लिए अलग वातावरण में सांस लेना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से बच्चा रोता है। एक्सपर्ट का मानना है कि बच्चे के रोने से उसके लंग्स और हार्ट सही काम कर रहे हैं इसका पता चलता है, उसका संकेत मिलता है। बच्चे का रोना उसकी हेल्थ को भी दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोए तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। वही बच्चा यदि धीमी गति या आवाज में रोता है, जिसका मतलब है उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। घर में रहने के दौरान बच्चा अविकल्पित कार से सांस लेता है। बाहर आकर जब बच्चा खुद से सांस लेने की कोशिश करता है तब उसकी सांस नली और मुंह के फ्लूइड बाहर निकलते हैं। जब ये फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता तो सक्सेस ट्यूब की मदद से उसको बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद बच्चा रोता है। कई मामले में बच्चे का न रोना उसकी मौत का कारण भी हो सकती है। बच्चा 9 महीने माँ की कोख में सुरक्षित रहता है। जन्म के बाद उसे बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है। कई बार बच्चे जन्म के 24 घंटे तक सांस रहते हैं। नए माहौल से बच्चा डरता है, ऐसे में माँ का स्पर्श बच्चे को राहत दे सकता है। यही वजह है कि जन्म के बाद सबसे पहले बच्चों को माँ के हाथों में दिया जाता है, तभी माँ पहला ब्रेस्ट फीड कराती है, जो कि बच्चे को ताकत देता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम भी करता है। तो दोस्तों, आज एक माँ और बच्चे की कहानी आपको कैसी लगी? बच्चा क्यों रोता है, इसका कारण जानने के लिए आप हमारे इतने वीडियो को देखें। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चे से आप भी प्यार करते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।